और यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन है। तो चलिए अब हम यूपीएस को ऑन करते हैं। यूपीएस ऑन हो गया है और स्विच भी यहाँ पर दिया हुआ था, इसलिए लाइट भी जल रहा है। तो इन्वर्टर कनेक्शन जो है हमारा बोर्ड पर आ गया है। अभी मैं देख सकता हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हम इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे घर के स्विच बोर्ड के साथ। ठीक है, यह 60 एम्पीयर का एक सेट का बैटरी, 12 वोल्ट, और यह चार्ज कंट्रोलर, और यह यूपीएस। हम कंप्यूटर का यूपीएस यहाँ पर यूज़ करेंगे घर के बोर्ड में से इलेक्ट्रिसिटी लेके उससे इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर की यूपीएस, इसका वाट भी हम दिखा देते हैं आपको। लगभग 360 वाट का है ये जो कंप्यूटर का यूपीएस है पुराना, आप यहाँ पर देख सकते हैं 360 वाट का है। तो हम इससे कनेक्शन करेंगे, ठीक है, घर की स्विच बोर्ड में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ बैटरी कनेक्शन करके रखा है। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ कैसे कनेक्शन हुआ है, जिससे कि ये बैटरी भी अगर सोलर पैनल से चार्ज नहीं होगा तो कंप्यूटर के यूपीएस के माध्यम से ये जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें बैटरी में से, यहाँ पर देख सकते हैं दो बैटरी का जो वायर होता है यूपीएस के अंदर, उसमें से मैं दो वायर को यहाँ पर से ले लिया हूँ बाहर। उसमें से कुछ वायर मैंने कनेक्ट किया है, छोटा छोटा वायर, 1.5 एम्पीयर का, 1.5 mm का वायर। ठीक है, आप किसी भी वायर ले सकते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटी का वायर लेना चाहिए यहाँ पर। तो मैं 1.5 mm का वायर लिया हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मैं पॉजिटिव के साथ चार्ज कंट्रोलर का जो बैटरी का पॉजिटिव है उसके साथ लगा दिया हूँ, और इसी सेम पॉजिटिव के साथ बैटरी का जो पॉजिटिव है उसमें से मैं लगा दिया हूँ, और सेम कनेक्शन नेगेटिव को भी होगा। तो नेगेटिव आप देख सकते हैं यहाँ पर बैटरी का नेगेटिव जो है उससे हम जो यूपीएस का जो नेगेटिव है उससे लगा दिया हूँ चार्ज कंट्रोलर के साथ, और सोलर पैनल बैटरी का जो नेगेटिव है उससे हम चार्ज कंट्रोलर का जो नेगेटिव है और बैटरी का जो नेगेटिव है उससे लगा दिया हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तीनों वायर यहाँ पर है, और ये तीनों वायर है। अब बात करते हैं सोलर पैनल का वायर के बारे में। तो सोलर पैनल का वायर आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक इसको ठीक नहीं किया है, तो ये वायर यहाँ पर से खुल गया है, मैं लगा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने वायर को यहाँ पर लगा दिया हूँ, सोलर पैनल के दो वायर जो है बाहर से आया है, ठीक है, वो ऊपर है। तो मैं यहाँ पर कोई प्लग यहाँ पर नहीं लगाया हूँ, मैं लगा लूँगा बाद में, उसका वीडियो भी आएगा। ठीक है, मैं जस्ट टेम्पोरेरी चेक करने के लिए क्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं बैटरी कनेक्शन कर लेता हूँ, ये पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सोलर पैनल और बैटरी दोनों कनेक्टेड है, यहाँ पर दिखा रहा है, इसका मतलब कनेक्शन ठीक है। तो हमें पहले सोलर पैनल में चार्ज कंट्रोलर में बैटरी का कनेक्शन पहले करना पड़ता है, क्योंकि बैटरी सोलर चार्ज कंट्रोलर को पता चल जाता है कि बैटरी कितने का है और कितनी वोल्ट पे इसको चार्ज करना है, इससे चार्ज कंट्रोलर जो है वो सेट हो जाता है। इसके बाद हमें सोलर पैनल का कनेक्शन यहाँ पर किया जाता है। चार्ज कंट्रोलर कनेक्शन कैसे किया जाता है उसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आपको आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमारा जो यूपीएस और सोलर पैनल का जो कनेक्शन है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। आपको और एक बार बता देता हूँ कि यूपीएस से भी ये जो बैटरी है वो चार्ज होगा, सोलर पैनल से भी ये बैटरी जो है चार्ज होगा। तो 60 एम्पीयर बैटरी को चार्ज करने के लिए लगभग 5 एम्पीयर करंट चाहिए, तो 12 वोल्ट 5 एम्पीयर तो लगभग हो जाएगा। तो उसको टेस्ट करके पता चलेगा, बाद में आपको सब कुछ डिटेल्स में बता दूंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बोर्ड पर चला आया हूँ जिससे हमें इन्वर्टर कनेक्शन करना है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि इन्वर्टर बोर्ड का कनेक्शन कैसे किया है मैंने। तो मैंने यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया है, ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ठीक है। ये एक इन्वर्टर कनेक्शन होगा, ये स्विच इसके साथ है, और ये स्विच से ऊपर का जो लाइट है ये जलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ अभी नहीं चलेगा ये लाइट, ठीक है। और यहाँ पर जो है एसी करंट है जो डायरेक्ट मीटर से आया है वो कनेक्शन है, और ये सिर्फ ये यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन होगा। तो इसके लिए मैं पॉजिटिव नेगेटिव ले लिया हूँ, मैं नेगेटिव को कॉमन नहीं रखा हूँ यहाँ पर से, डायरेक्ट मैं यूपीएस का नेगेटिव भी यहाँ पर लगाऊंगा और पॉजिटिव भी। तो आप देख सकते मैं यहाँ पर एक 3 पिन टॉप ले रहा हूँ यहाँ पर, तो इसके साथ हम लगाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते पॉजिटिव को मैंने यहाँ पर लगाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एलईडी का हुआ है। तो चलिए इसको मैंने कंप्यूटर को यूपीएस में लगा देता हूँ। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और बैटरी जो है यहाँ पर है, और आप यहाँ पर देखते हैं चार्ज कंट्रोलर यहाँ पर चल रहा है। मेरे यहाँ पर लाइट कम है इसलिए थोड़ा
परेशानी हो रहा है, और ये सोलर पैनल का वायर है, मैं बाद में इसको फिट कर दूंगा और टेप भी कर दूंगा इसके ऊपर। तो चलिए हमारा कनेक्शन पूरा हो गया है, और ये यूपीएस का प्लग है, इसको मैंने यहाँ पर इसी प्लग में लगा दूंगा, मैं बाद में इसको ऑन करके दिखाऊंगा, ठीक है। और ये है डायरेक्ट प्लग, इसको मैं ये वाईफाई का जो प्लग है इसको मैं यहाँ पर लगाऊंगा, या फिर मोबाइल चार्ज करूँगा यहाँ पर चार्जर लगा के। चलिए अब हम इसको ऑन करते हैं, और ये जो है एपीसी का प्लग है, ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर लगा दूँगा, यहाँ पर से यहाँ पर इसी बोर्ड पर लगा दूँगा यहाँ पर, क्योंकि ये सेम कनेक्शन है, यहाँ पर यूपीएस और यहाँ पर इन्वर्टर कनेक्शन है। तो चलिए अब हम यूपीएस को ऑन करते हैं, यूपीएस ऑन हो गया है, और स्विच भी यहाँ पर दिया हुआ था इसलिए लाइट भी जल रहा है, तो इन्वर्टर कनेक्शन जो है हमारा बोर्ड पर आ गया है। अब यहाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से ग्लो कर रहा है, लाइट 9 वाट का है। चलिए अब हम पीसी को ऑन करते हैं, ये पीसी का प्लग है, इन्वर्टर कनेक्शन है पूरा। अब लाइट अब देख सकते हैं थोड़ी कम हो गया है, क्योंकि पीसी जो है 200 वाट का होगा शायद। तो चलिए पीसी को ऑन करते हैं। चलिए पीसी को मैंने ऑन कर दिया है, तब देख सकते हैं पीसी जो है ऑन हो गया है, तो हमारा इन्वर्टर कनेक्शन पूरा रेडी हो गया है यहाँ पर से। अब मैं इसको, अभी बैटरी से चल रहा है और सोलर पैनल से बैटरी चार्ज हो रहा है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं वोल्टेज अप डाउन हो रहा है, और इसका भी साउंड भी आ रहा है। तो चलिए अब हम इसको डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्शन करते हैं। तो इस प्लग को डायरेक्ट करने से ये जो इन्वर्टर यूपीएस है ये अब इसी कन में आ गया है, और इससे ये बैटरी चार्ज हो रहा है यूपीएस से, और सोलर पैनल से भी चार्ज हो रहा है चार्ज कंट्रोलर के माध्यम से। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, और कोई बड़ी परेशानी हो तो मैं नीचे कमेंट कर देना। और मैं इस कनेक्शन को अभी अभी बनाया हूँ, इसलिए कुछ अलग दिख रहा है, तो मैं डिटेल्स में फिर वीडियो बनाऊंगा पूरा डायग्राम के साथ, कैसे इन्वर्टर कनेक्शन करना है, क्योंकि यूपीएस से कैसे चार्ज करना है, बैटरी सोलर पैनल से कैसे चार्ज करना है, सब कुछ मैं डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, और कुछ भी पूछनी तो कमेंट भी कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।